कुछ रिवीजन वगैरह करते हो घर में? पीआई का फॉर्मूला क्या है? और शायद कल लास्ट लास्ट में हम टर्मिनल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। कोशिश करना समझने की, नहीं भी आएगा तो कोई इश्यू नहीं। तो आज की क्लास देखते हैं कितना टाइम तक चलेगी। मैक्स 2 घंटे तो नहीं चलेगी, तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। बस एग्जाम्पल कितना पेजेस छोड़ना है, ये बहुत मुश्किल काम कॉस्ट ऑफ मशीन 1,10,000। रेलवेज वैल्यू 10,000। लाइफ 5 ईयर्स। तो सैलवेज का मतलब क्या हुआ? 5 साल बाद 10,000 की बिक जाएगी। डेप्रिसिएशन का रेट है 20% पर एनम। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो WDV या SLM तो क्या मानोगे? WDV। और टैक्स है 40% और टर्मिनल वैल्यू है क्वेश्चन। टर्मिनल वैल्यू का मतलब ये हुआ कि मशीन बेचोगे तो मुझे कितना पैसा मिलेगा 5 साल बाद, ये तो मिलेगा ही। इसको हम बोलते हैं सेल्स कंसंट्रेशन। कितना मिलेगा? 10,000। पर टैक्स वाला जाएगा, कहेगा कैपिटल गेन टैक्स तो नहीं हो रहा। तो कैपिटल गेन टैक्स कैसे निकालते हैं? इसमें से हम बुक वैल्यू माइनस करेंगे तो देखेंगे कितने का फायदा हो रहा है। बुक वैल्यू 36 बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब समझ रहे हो कि 1,10,000 में हर साल 20% डेप्रिसिएशन कटेगा तो 5वें साल के एंड में बुक वैल्यू इतना आएगा। ये कैसे निकाल रहे हो? जो हमने सीखा 1,10,000 -20% -20% -20% -20%। तो भाई जिस मशीन की बुक वैल्यू थी 36,000 उसको बेच रहे हो 10,000 में, प्रॉफिट की लॉस, लॉस उस लॉस को हम क्या नाम देते हैं? कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की शॉर्ट टर्म? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा कि नहीं? इंडेक्सेशन होगा कि नहीं होगा? मान लो मैं टैक्स पढ़ा रहा हूं, आप बताओ कि होगा कि नहीं? होगा ही नहीं। फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएबल एसेट में नहीं होता, डेप्रिशिएबल एसेट वैसे काम की चीज नहीं थी, कैपिटल लॉस निकालने में। तो बोलो लॉस कितने का हो गया? 26045। गेन हो रहा था तो टैक्स देना पड़ रहा था, लॉस हो रहा है तो टैक्स
ठीक है। ओहो, कैसे से होगा जरा कोई बताएगा। हमारे पास, हमारी तो बड़ी कंपनी है, अब सीए लोगों को कोई ऐसा तो रखेगा नहीं, तो उनकी बहुत सारी एसेट्स बेची जाती है, हो सकता उसमें से कोई एसेट्स बेची जाती होगी और जिसपे कैपिटल गेन होता होगा। कैपिटल गेन मन से बोल रहा हूं, कितना बोल दूं, 50,000, और 50,000 का 40% टैक्स लगता होगा, तो 50,000 का 40% कितना होता है, 20,000। तो भाई साहब अगर मैं इस लॉस को कंसीडर नहीं करता हूं तो 50,000 पे 40% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन लेकिन एक सेटअप वाला कॉन्सेप्ट है, कैपिटल गेन और कैपिटल वो सेटअप कर सकते हो, इट मीन्स इस 50,000 में से ये माइनस कर सकता हूं मैं। माइनस करने के बाद कितना आएगा, 50,000 माइनस 23,055, भाई ये गेन हो रहा था, अब ये गेन होगा और इस पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 40%। तो बताओ टैक्स का अमाउंट कितना, 982। तो मेरी नजरों से देखोगे जो 20,000 टैक्स देना पड़ रहा था, इस लॉस की वजह से अब मुझे 9582 टैक्स देना पड़ रहा है। तो बताओ मैंने कितना बचा लिया, 20,000 माइनस 9582 कितना गया, 10418। मेरा फायदा ही हुआ, तो इसी को आप बोलते हैं टैक्स सेविंग्स। ये किसकी वजह से बचा है मेरा पैसा, इस लॉस की वजह से, तो ये भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। ये कैसे निकालते हो, सीधा इसी का कितना परसेंट निकालोगे, 40% निकालो इसका 40%, उतना ही आएगा भाई, उतना ही आएगा। ये तो मैं समझाने के लिए लिखा हुआ, तो इसकी क्या जरूरत है लिखने की, नहीं, सीधा सीधा यहां लिख देते हैं हम टैक्स सेविंग्स। टर्मिनल वैल्यू। अब सुनो सुनो, किसी कोई किसी बच्चों की आदत होती है ना यार, पूरा लिखेंगे सर जो लिख रहे हैं, उन्होंने 50,000 भी लिखा और फिर रिवीजन में मुझसे बोलते सर ये 50 आया कहां से, भाई वो मन से लिखा है ना, तो अब बताना मुझे ध्यान से, मशीन बेचने पे 10,000 तो मिलेगा मिलेगा, और ये भी तो पैसा मिला, मिला नहीं पर गया नहीं, एक ही तो बात है, तो दोनों जोड़ दो, वन ये और टू ये, आंसर कितना आ जाएगा, 20,400, वन प्लस टू कर दू ना, 20,400। मेरे ख्याल से अब टर्मिनल वैल्यू अब संभाल लोगे, लास्ट एग्जांपल खत्म करते हैं, ये टेस्ट है आपके लिए, मैं नहीं बताऊंगा इसमें। कॉस्ट ऑफ मशीन आपका नंबर है, सोच समझ के काम करना, 2,00,000। लाइफ 5 years, depreciation 25% per annum, tax credit 30%, terminal value question mark। तो देखो निकालना कैसे, सबसे 2,00,000 है, इसका 25% कौन सी मेथड से डेप्रिसिएशन निकालोगे, WDV, तो -25 करके क्या आ जाएगा आपका बुक वैल्यू। नहीं है सर्विस, जीरो, कुछ नहीं है तो जीरो ही मान लो,
18984 कितना रहा फाइनल आंसर 14238 हाँ जी यही टर्मिनल वाली होगी जो टैक्स सेविंग्स होगा वही टर्मिनल अब एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपको मेरी हेल्प करना पड़ेगा टर्मिनल वैल्यू से रिलेटेड नहीं है पर उसका यूज होने वाला है आखिर मैं ना बैंक से लोन ले रहा हूँ बैंक लोन लिखना मेरे से और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम और सर कितने दिनों के लिए लोन लिया पीरियड 3 साल और मैंने बैंक से कहा कि देखो मैं मंथली तो नहीं आऊंगा ईयरली आऊंगा और आपको इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा 3 किस्तों में पैसे चुकाना है विथ इंटरेस्ट तो मुझे बताओगे इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट हर साल कितना कितना इक्वल पे करूं कि मेरे लोन का रिपेमेंट हो जाए हाँ इंटरेस्ट इंक्लूडेड ऐसा ऐसा समझ लो ना यार हम लोग गाड़ी लेते हैं ना तो हमको हर महीने चुकाना पड़ता है किस्त तो उसमें इंटरेस्ट तो जुड़ा हुआ रहता है ना तो वही कितना कितना है इंटरेस्ट मैं नहीं जानता कि आप कैसे करोगे मुझे बताओ जुगाड़ लगाओ कैसे भी कर लो एक आंसर आया इनका 39930 पता नहीं कैसे निकाला मैं खुद नहीं जानता बाकी लोगों के पास और कोई उपाय है तो वो भी बता सकते हो जिनको प्रेजेंट वैल्यू नहीं भी पढ़ा है तो भी काम हो सकता है 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है $90,000 चुकाना है 3 किस्तों में चुकाना है हर इंस्टॉलमेंट कितने कितने का बनेगा 39,000 नहीं बोल सकते हो ना यार आजाद हो बिल्कुल कितना कितना पहला जाएगा 39,000 और दूसरा कितना जाएगा हाँ मतलब सेकेंड ईयर भी 39,000 जाएगा और थर्ड ईयर भी कितना जाएगा 39,000 वैसे निकाला कैसे 90,000 का 10% 9,000 पहले साल का खुश हूं मैं दूसरे साल का 90 पे कैसे ले लेगा बैंक 60 बचा ये इम्पोर्टेंट है ना 60 तो बचेगा ये तो नहीं होगा कोई कोई बात नहीं दूसरा करते मतलब इन्होंने तो और भी हद कर दिया सुनो सुनो इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया फिर तो 39 पे मैं एग्री नहीं हूं आपने 930 और एक्स्ट्रा 36 पहला 36 नहीं अच्छा पहला 39 और दूसरा ये इक्वल कैसे हुआ और 33 ये भी नहीं हो सकता ये इक्वल होना चाहिए इक्वल नहीं पहले साल होगा
पहला 36 और तीसरा भी 36 निकाला कैसे? 9000 अच्छा दूसरे साल 60000 पे 10% निकाला, ठीक है एग्री। यहाँ करके देखूँ क्या, तो पहले साल 90000 का लोन था, कितना पेमेंट किया मैंने पहले साल, तो अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा, तो बचा 60 कहाँ, 60 कहाँ बच गया भाई। हाँ तो वही तो, ये तो 60 पे इंटरेस्ट निकाल रहा है, आप ही ने 60 पे बताया अभी। मुझे नहीं मालूम, मुझे बस इक्वल इंस्टॉलमेंट चाहिए, दैट्स इट। नहीं निकाल सकते सर, छोड़ो ना। वही करवा रहा हूँ। हाँ लेकिन हमारे पास और कुछ जुगाड़ है ना, सुनो ये पैसा कब जा रहा है, 90000 आज, और मुझे कब कब देना है, पहले साल एक्स देना है, दूसरे साल भी एक्स देना है और तीसरे साल भी एक्स देना। इसको इक्वेट कर लेते हैं, पहले साल एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9091, दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे 0.826 जो भी होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 7513। ये किधर से आया, फैक्टर है 10% का भाई, मैं इक्वेट ही तो कर रहा हूं, जितना ये उतना ही है। सर इस बात को प्रूव कर सकते हो? करूंगा ना करूंगा, आप टेंशन मत लो। तो क्या इन तीनों को जोड़ सकते हो, कैसे जोड़ोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं बेटे इसको 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 कॉमन है ना यार, ये तो जोड़ सकते हैं ना हम लोग तीनों को, जोड़ो। वन थ्री 1 divided by 1.10 एक दो तीन जी टी 2.4868 कैलकुलेटर में कैसे करते हो, 1 divided by 1.10 इक्वल टू किया इक्वल टू जी टी है ना। तो मैं आपसे बोल रहा हूं इक्वल इंस्टॉलमेंट कैसे निकाला जाता है, तो ऐसे निकाला जाता है जितना भी आपका लोन अमाउंट है, कितना रुपए है 90000, उसको डिवाइड कर दो सीधा सीधा, किससे डिवाइड कर दीजिए, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर कितना परसेंट, 10% कितने साल का, 3 साल, जो आया था 2.4868। आंसर बोलो कितना आ गया, 36192 ले लेता, ठीक। इस बार नोट करो फिर मैं और समझा रहा हूँ। सर हम 36000 क्या गुनाह कर रहे थे, 36000 तो बोल दिया था, बस 192 को तो अंतर है। और अभी आप ये ठीक है, अब आपके मन में सवाल आता होगा कि ये वाकई सही है, अगर मैं इतना पेमेंट हर साल करूं तो क्या मेरा लोन पूरा की पूरा रीपेमेंट हो जाएगा थर्ड ईयर के एंड में? ध्यान से समझना बेटे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कितना रुपए इंस्टॉलमेंट आ रहा है आपका, 36192 36192 और 36192, ठीक है ये कहीं काम आने वाला है, मैं शॉर्टकट नहीं करवाना चाहता, मेरे पास है शॉर्टकट, इतना इतना इंस्टॉलमेंट आएगा। अच्छा हमने लोन कितने का लिया था,
90,000 किस रेट पे? 10%। तो ये जो इंस्टॉलमेंट जा रहा है इसमें दो चीजें जा रही है, एक तो इंटरेस्ट भी जा रहा है और साथ में प्रिंसिपल भी जा रहा है। तो कोई मुझे बता सकता है कि इंटरेस्ट का कितना पोर्शन है और प्रिंसिपल का कितना पोर्शन है? पहले साल आराम से सोचो, 90,000 का 10%, पहले साल तो 9,000 ही ब्याज लगेगा ना, तो इंटरेस्ट के रूप में तो 9,000 रुपए दे रहे हैं हम लोग, तो 36,192 में 9,000 तो इंटरेस्ट का दे दिया, तो बचा हुआ किस चीज का दिया? प्रिंसिपल का दिया होगा। बताओ कितना आ रहा है? 27,192। अगर मैं बैंक वाले के पास जाऊंगा इतना देने के बाद, पूछूंगा कितना बचा, तो बता सकता है क्या? बताओगे कितना बचा उसका? बासठ हजार आठ सौ आठ। फिर दूसरे साल जाऊंगा इतना पैसा लेकर, तो कहेगा ब्याज का तो काटूंगा यार, काट लो। कितना काटेगा? इस पे लगेगा अब इंटरेस्ट बैलेंस पे। तो यहां कितना आ गया? 6,281। तो अब इसमें से इंटरेस्ट के रूप में 6,281 गया, तो बोलो प्रिंसिपल कितना गया मेरे जेब से? कितना? 299,111। ठीक है, अब फिर बैंक वाले के पास पूछूंगा, भैया कितना बचा? इसमें से ये माइनस कर देंगे, 328,97। फिर इतना देने गया, फिर कहेगा इंटरेस्ट तो लगाना पड़ेगा, इस पे लगाएगा कितना? 290। तो बताओ प्रिंसिपल कितना? 0। लास्ट में क्या आएगा हमारा? 0। इट मीन्स यहाँ 2-4 रुपए के लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। वो क्या आया ये हमने राउंडेड ऑफ करके लिया ना, इसलिए इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा कम ज्यादा आया, पर ऐसे ही निकाला जाता है इंस्टॉलमेंट। ये बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे काम की चीज है कि इंस्टॉलमेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब जाओगे गाड़ी खरीदने, चलना मेरे साथ, ठीक है, कम से कम चाय कॉफी हो जाएगी। तो गाड़ी खरीदने जाओगे, जब गाड़ी खरीदने जाओगे वहां को कि यार इंस्टॉलमेंट चाहिए हमको, तो वो निकालेंगे टेबल, ये वाला फैक्टर देखेंगे, आपका लोन कितने का है, बोलेगा 5,00,000, 5,00,000 डिवाइड इससे करेंगे और कहेंगे ये आएगा आपका, वो उनके पास मंथली वाला टेबल होता तो वो आराम से निकलता। हमारे लिए एक काम की चीज है, इसका मैं यूज करने वाला हूँ, ये नोट कर लिया ना इस तरफ का। ठीक, वापस आ रहे हैं हम कैपिटल वेस्टिंग, देखोगे एग्जाम्पल। दो मशीन है, मशीन ए मशीन बी, कॉस्ट एक लाख 10,000 और 1,65,000, 1,65,000। लाइफ 500 और 800 CF80 40,000 पर एनम और यहां ले लो 55,000 पर। ठीक है, इसके अलावा सर्विस 10,000 और 15,000, डिस्काउंटिंग रेट
10%. Which machine should be purchased? कौन सी मशीन खरीदना चाहिए? आपने टोटल मिलाकर कितना मेथड्स पढ़ा है? 6. कोई एक यूज करना है. अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो कौन सा मेथड यूज कर? एनपीवी. कसम खा लो एनपीवी. और एनपीवी कैसे निकलते हैं? पीवीसीआई माइनस पीवीसी. तो इसका एनपीवी निकालते, इसका एनपीवी निकालते, जिसमें एनपीवी ज्यादा आएगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे. ठीक है, तो लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ एनपी. एनपीवी का फॉर्मूला हो गया पीवीसीआई माइनस पीवी. सीएफएटी दिया, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है आपको. सीएफएटी दिया तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे? मशीन ए. एनपीवी हर साल कितना आएगा? 40. सर कितने साल तक? 5 साल तक. तो सुनो कैसे कर सकते इसको सॉल्व. 40,000 हर साल आएगा, मल्टीप्लाई किससे होगा? प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, क्योंकि हर साल 40,000 आ रहा है. कितने साल, कितने परसेंट का लेना है? कितने साल? 5 साल. ये तो आएगा ही आएगा साथ में. और लास्ट में हमको कितना मिलेगा सैलवेज का? 10,000. अब बच्चे का कहना है सर कैपिटल गेन टैक्स वैक्स. भाई कैसे, मैंने डेप्रिसिएशन का कोई रेट वेट नहीं दिया तो निकल ही नहीं सकता यार. तो 10,000 की 10,000 ही ले लो पूरा के पूरा. ये कब मिलेगा 10,000? हर साल मिलेगा कि फिफ्थ ईयर में? फिफ्थ ईयर में. तो यहां जो शब्द लिखा जाएगा वो पी वी ए एफ होगा कि पी वी एफ होगा? पी वी ए एफ का मतलब मिलाकर. प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर लेना है कि सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है? सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू लेना है. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10%. और इसमें से माइनस कितना कर देंगे भाई? 1,10,000. ये आ गया पीवीसीआई, ये हो गया पीवीसीओ. और फैक्टर निकालना तो आपको आता है. 3.65, 6.05, पता नहीं. 3.790 आए. जीरो को वन ले देते हैं. 3.79. ये कैसे आया? हाँ ये कैसे आया ये निकालना पड़ेगा. 1 divided by 1.10 कितने बार इक्वल टू करोगे? 5 बार. और जी टी अच्छा एम प्लस वाला है आपका. इसके लिए तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नॉलेज चाहिए. ठीक है, प्लस 10,000 इंटू 0.621 वन. फिफ्थ ईयर का फैक्टर आएगा ना 10%. ठीक है. अच्छा आप सीधा फाइनल निकाल लियो क्या आंसर? माइनस 1,10,000. फोर सेवन एट फाइव जीरो
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा मुझे पूरी उम्मीद। अब कौन से मशीन की बात करते हैं? मशीन एनपीवी हर साल कितना आ रहा भाई? 55,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पीवीएफ कितना परसेंट? 10%। कितना साल? 8 साल। प्लस 15,000 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10%, 8 साल। और माइनस इसमें पैसा कितना लग रहा है? 1,60,000। 1/1.10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1,35,015। कौन सी मशीन परचेज करोगी? मशीन बी जिसका एनपीवी ज्यादा। एक समस्या है बस, इसका लाइफ कितने साल है और इसका 8। ये प्रॉब्लम, ये पैसा कितने साल में आ रहा? 5। ये कमाया कितने साल मिलाकर? 5। और ये तो यार ये दोनों को कंपेरेबल कैसे है? आपको तो हर साल का निकालना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो कॉमन सेंस है। हर एनुअल निकालना पड़ेगा आपको। हाँ पर मैं थोड़ा लिखवाते हुए काम करूं कि हम मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एनुअल निकालना पड़ेगा। ठीक है तो एक नोट लिख लेते हैं, काम आएगा। इफ लाइव्स ऑफ प्रोजेक्ट्स are not equal, then decision is taken on the basis of equivalent, मुझे equal करना पड़ेगा एनुअल एनपीवी इक्विवेलेंट एनुअल एनपी। सर डिवाइड वाला फॉर्मूला भी लिखवा दो तो अच्छा लगेगा। इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिख दोगे? एनपीवी। और डिवाइड किससे करोगे? सिंपल सी बात है यार, मुझे बताओ हर साल कितना आ रहा है? 40,000। तो 5 साल में कितना आएगा टोटल? 2,00,000 ना। सुनोगे बच्चे, हल्के में मत लेना। हर साल कितना आ रहा है? 40,000। मल्टीप्लाई 5 से करना चाहिए। 5 से क्यों नहीं कर रहे थे? मैं क्या कहना चाहता हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिल्कुल आम आदमी टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो आप उड़ा दो। हर साल 40,000 40,000 40,000 कितने साल तक आ रहा है?
साल तक अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नॉलेज नहीं होता और मैं आपसे पूछता सेम क्वेश्चन, यही पूछता कि बताओ यार कौन सा मशीन खरीदते हैं, ये वाला क्वेश्चन सेम पूछता, आपको नहीं मालूम टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, तो मालूम है आप डिसीजन क्या देते कि सर सुनो ना 110,000 लग रहा है ना, 40,000 आएगा, कितने साल तक आएगा, 5, तो आप 40,000 इंटू क्या करते, 5 ही तो करते, वही तो यहां भी कर रहे, गलत कर रहे। बात समझने की कोशिश करना, आप यहां 5 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बताओ ये एनपीवी कितने साल में आ रहा है, ये जो 47850 ये कितने साल में आ रहा है, तो इक्वल निकाल सकते हो कि हर साल का डिवाइड बाय होगा, लिख लो PVAF कितने परसेंट का, 10% का, कितने साल का, यहाँ यहाँ के लिए इसमें PVAF डिवाइडेड बाय होगा प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर, याद है इक्वल आपने लोन का भी इक्वल इंस्टॉलमेंट निकाला था ना, तो डिवाइड किससे किया था, PVAF याद है पिछले क्वेश्चन में भी किया था, यहाँ भी आपने मल्टीप्लाई किससे किया, 5 से तो नहीं किया, किससे मल्टीप्लाई किया, पी, पूरा यही चलेगा आपका, चाहो तो आप एक्स 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 लगा के कर लेना, आंसर इतना ही आएगा। टोटल ये एनपीवी कितने साल का है, 5 साल, पहले साल का कितना एक्स, दूसरे साल का कितना एक्स, तीसरे साल का एक्स, ऐसा करना पड़ेगा, तो फिर फैक्टर से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही चीज है सर। और समझाओगे कि और समझाऊंगा, सबसे पहले इसका फाइनल आंसर लिखिए, सबसे पहले मशीन एक का एनुअल एनपीवी निकाल, बोलो टोटल एनपीवी कितना है, 47850 डिवाइडेड बाय 5 नहीं होगा, डिवाइडेड बाय होगा 3.791, बस में एक इतना ही, तो कितना आ गया 12622। तो पहले साल में ये कमाएंगे, दूसरे साल में भी ये कमाएंगे, तीसरे, इसका मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला, तो ये आ गया। ऐसे ही किसका निकालोगे, मशीन बी, उसका एनपीवी कितना है 135415 डिवाइडेड बाय कितने साल का, ये टोटल मिलाकर 8 साल का फैक्टर कितना है यार, 5.335, 25,382, ठीक है। अब बताओ कौन सा खरीदोगे, अब अभी भी बी, अब पहले भी बिना इसके भी क्या आ रहा था बी, लेकिन क्या आंसर यहां चेंज हो सकता था, हो सकता, तो जब जब भी लाइफ अलग अलग होगी आपको डिसीजन इसके बेसिस पे नहीं लेना पड़ेगा, इसके बेसिस पे, तो लिख लीजिए मशीन बी शुड बी परसिस्ट तो देखा जाए, तो अभी जो सीखा वो ये सीखा कि जब भी लाइफ अलग अलग होगी आपको इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी निकालना पड़ेगा और डिवाइड करना, इसको और भी ढंग से समझाया जा सकता, थोड़ा सा वेट करोगे बुक का, बुक आएगी तो वहां जा, एक पॉइंट मुझे ये डिस्कस करवाना और एक पॉइंट डिस्कस करवाना है, तो फिर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। देखोगे अगला एग्जाम्पल, मशीन ए और मशीन बी कर दीजिए, उनको एसी खरीदना मान लो, कॉस्ट ऑफ मशीन, एक लाख 10,000 एक लाख 35। सुनो ना थोड़ा सा और चेंज कर, काटना पड़ेगा सॉरी, 1,80,000
एयर कंडीशनर सस्ते भी आते हैं महंगे भी आते हैं, तुम सस्ता वाला क्यों नहीं खरीदते? क्या वजह होती है यार, महंगा होने की वजह कुछ होती होगी? एसी में क्वालिटी मतलब हाँ, फाइव स्टार भी होता है, ये क्या अंतर क्या फाइव? अच्छा बिजली बिजली लाइफ, हम वही खरीदने जा रहे हैं। अब मुझे ये बताना कि कौन सा सस्ता वाला खरीदना कि महंगा वाला खरीदना, ठीक है? एक कितने का है और एक 1,80,000। मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा, बस मुझे ये बता देना कौन सा वाला खरीदना। सर ये कितने साल चलेगा? सिर्फ 3 साल, और ये 5 साल चलेगा, थोड़ा महंगा तो थोड़ा ज्यादा चलेगा। रनिंग कॉस्ट, एसी चलाओगे तो खर्चा भी तो आएगा, बिजली बिल सर इसका आएगा 20,000 रुपये पर एनम। इसका बोलो कितना, बोल दो 20,000 से कम की ज्यादा है ना। अच्छा यार एक बार बताओ, 3 साल चलाने के बाद बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बिक सकता है, 25,000 का बिकेगा और ये बिकेगा 45,000 का। ये पैसा कब लगेगा? 20,000 हर साल लगेगा 3 साल। और ये पैसा कब मिलेगा? डिस्काउंटिंग रेट इस बार 15% पर है ना, मिले विच मशीन शुड बी परचेस्ड। क्वेश्चन में कुछ भी ना नहीं कहा है एनपीवी की, क्या किस हिसाब से निकालोगे? सोच तो समझ के जवाब देना। एसी चलाने से पैसा आएगा ऐसा बोल रहे हो? हाँ बिजली बिल लाइट कट जाएगा मतलब, अच्छा बिगनिंग में बता देता हूँ, बता ऐसा ऐसे बता देता हूँ। अभी ये हो गया 0, ये 1, ये 2 और ये 3। एसी कब खरीद रहा है, कितने का? 1,10। ये पैसा क्या होगा, जाएगा ऐसा माइनस दिखा दूं, ये 20,000 भी जाएगा हर साल। कब जाएगा? यहां 20,000 जाएगा, यहां भी 20,000 जाएगा और यहां भी 20,000 जाएगा, ठीक। और ये 25,000 जाएगा कि आएगा? आएगा, वो यहां आएगा। एक्चुअल में हम क्या करें, मैं ये कहना चाहता हूँ बस इतना बता दो कि कौन सा मशीन खरीदना है, दिमाग कैसे चलाओगे बस यही सोचना है। मैं तो बता दूंगा पर खुद भी सोचो कि यार क्या करें, हमें तो नॉर्मल। हाँ जी एक 10 आज का है, अच्छा उसका भी फ्यूचर, तो भाई इसी का प्रेजेंट निकाल लो ना यार। इसका भी प्रेजेंट वैल्यू, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू, इसका निकाल लिया प्रेजेंट वैल्यू और इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दे और माइनस कर देते हैं उसको, सबको ऐड करके इसको माइनस कर देते हैं, तो वो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? आउटफ्लो की इनफ्लो आराम से सोचते हैं, आउटफ्लो निकलेगा ना, इनफ्लो तो निकल ही नहीं सकता इसमें।
कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो यार इससे कितना पैसा जा रहा है एक्चुअल में और इससे कितना पैसा जा रहा है ये निकाल लेंगे, और दोनों में जो भी कमाएगा जो भी कमाएगा उसको खरीद लेंगे, खत्म। इतनी सी बात है। इसका मतलब है कि सर अगर कैश इनफ्लो नहीं दिया है तो हमें डिसीजन किसके बेसिस पे लेना पड़ेगा, आउटफ्लो। और आउटफ्लो क्या होना चाहिए, कम की ज्यादा कम होना चाहिए। देख लेते हैं फ्यूचर वैल्यू को हम पहुंचा रहे थे। अच्छा हाँ लॉजिकल ऐसा जाके फिर ऐसा करते हैं ना, चलो तो काम करें क्या। डेप्रिसिएशन अगर दे देते ठीक है, अगले को एग्जांपल में डेप्रिसिएशन भी डालते हैं ना, मजा जाएगा, ऐसा लगेगा क्या लाइफ है भाई। बिल्कुल अभी अभी तो इसको निपटाते फिर अगले तो एक नोट हो जाए फिर तो। हाँ यार कुछ बच्चे कहेंगे यार कैसे हो गया, अगर कैश इनफ्लो नहीं दिया है तो डिसीजन किस बेसिस पे होगा, कैसा आउटफ्लो। इफ कैश इनफ्लोस or not, then decision is taken on the basis of lower PVCO. तो सबसे पहले किसका निकाल रहे हैं हम लोग, मशीन ए, पीवीसीओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, बोलो कितना जा रहा है, 8 10 एक दस को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है तो आज ही का है, और कितना जा रहा है 20,000, लेकिन मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। मैं फैक्टर बताना सीधा, फैक्टर फैक्टर 15% 3 साल का फैक्टर, किसी को फैक्टरी पसंद था तो चलो आज फैक्टरी फैक्टर करवा लूं, 20,000 × 2.283 माइनस माइनस कितना आएगा 25,000, कौन से ईयर में आएगा, 1/1.15 1 2 3 6, 5, 7 क्या वापस हमें लिखे नहीं, सीधा आंसर ही बता दो कितना आ रहा1, 3, 9, 2, 3, 5 ठीक है। तो भाई अगर हम इस मशीन को खरीदते हैं तो टोटल 3 साल में नेट कितना पैसा जाए, उसका प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल। अब ऐसी किसकी बात करेंगे हम लोग, मशीन बी, तो पीवीसीओ एक तो यार 180 अभी जाएगा प्लस
17,000 ये भी जाएगा इनटू 5 साल है, थ्री पॉइंट थ्री फाइव टू सही है, पर कुछ मिलेगा भी 45,000 इंटू 0.4971 214 61। तो बताइए कौन सी मशीनरी खरीदनी चाहिए, ए या बी? हाँ, ये टोटल पैसा कितने साल का है? 5 साल, और ये है 3 साल को, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे? फैक्टर्स से, और इसको पास सकते, तो जो निकालेगी उसका नाम क्या रहेगा? एनपीवी नहीं, पीवीसी, पीवीसीओ डिवाइडेड बाय पीवीएफ। वन थ्री नाइन 235 डिवाइडेड बाय फैक्टर क्या था यार? 2.28 कितना आया था? 6098। ऐसी मशीन बी का भी निकाल, 214619 डिवाइडेड बाय 3.64 कौन सा मशीन अच्छा? पहले वाला आउटफ्लो के बेसिस, मशीन ए शुड बी परचेस्ड। ये कर सकते, बस यही दो कॉन्सेप्ट थे जो मुझे करवाना था बेसिक्स में, वो मेरा करवा दिया हूँ। अब मुझे बस इतना बताओ कि अगर मैं इसमें टैक्स डाल देता हूँ, हालांकि आपको नहीं है क्वेश्चन, पर क्या संभाल पाओगे? अगर आ गया तो कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 10 नंबर का आ सकता है। सिर्फ एक शब्द और लिखा रहेगा टैक्स, तो पिक्चर चेंज हो जाएगी काफी कुछ, वो देखते करे। बस वो लास्ट एग्जांपल कर लेते, याद रखना कि वो बहुत एडवांस लेवल का है, फाइनल लेवल का है, पर कभी कभी क्या होता, फाइनल क्वेश्चन आपको डाल देता है। बस एक ही बात है, टैक्स का रेट दिया होगा तो क्या होगा, सारी चीज देखते हैं। चलो करते, वो तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, टैक्स का रेट दिया तो डेप्रिसिएशन आएगा। लिखोगे लास्ट एग्जांपल आज की क्लास का, जनरली मैं नहीं करवाता हूँ क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं संभाल पाओगे, पर मुझे आपको देखकर लग रहा है हो जाएगा सर। मशीन ए, मशीन बी, वन लैख 30,000, वन लैख 85 लाइफ 5 years, 8 years,
30,000, इसका सैलवेज थोड़ा सा कम कर दे 3,000, रनिंग कॉस्ट ₹25,000 per annum or ₹20,000 per annum. क्वेश्चन वैसे ही दिख रहा है जैसे अभी किया। डेप्रिसिएशन का मेथड SLM और टैक्स का रेट 30% और डिस्काउंटिंग रेट 10% Which machine should be purchased? अगर पिछले क्वेश्चन में मैं डेप्रिसिएशन दे भी देता तो क्या करते उसका? डेप्रिसिएशन कैपिटल वेस्टिंग में आता क्यों है पिक्चर में? डेप्रिसिएशन तो खर्चा होता ही नहीं है यार, टैक्स की वजह से। डेप्रिसिएशन का तभी यूज है जब टैक्स दिया है। अगर टैक्स ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का यूज होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि टैक्स का रेट दिया होगा। ठीक है, तो चलो हमें क्या निकालना, हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। अगर मैं आपसे बोला कि सीए फाइनल के लेवल का क्वेश्चन है, इसका मतलब सीधी बात में क्या कहना चाहता था? आपसे नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं कितनी भी कोशिश करो। ठीक है, तो प्यार से मेरे को, मुझे भी फॉलो करो। पर इतनी इंसल्ट, हाँ भाई बहुत टेंशन वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट शोइंग, और सर मान लो हम बना लेंगे तो मान लेना गलत किया है। मैं शोइंग कैलकुलेशन ऑफ PVCU, देखा मेरा कॉन्फिडेंस। हम स्टेटमेंट में बनाएंगे इस बार, मेरे साथ साथ बनाना स्टेटमेंट, इसकी भी आदत होना चाहिए। कितनी मशीन है? दोनों यही करूंगा। सर ये टेबल हम लोगों को याद हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक, हो जाएगी धीरे धीरे, हो जाएगी। सबसे पहले लिखा जाता ईयर, फिर लिखा जाता प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो कि आपको कितने परसेंट का लेना है? 10%। फिर मशीन ए और मशीन बी, फिर इसका अमाउंट। मैंने आपको टेबल बनवाया हूं कि नहीं बनवाया? किसी में भी नहीं बनाया, एक आध बार बनवाया हूं, एक आध क्वेश्चन। उसमें सिर्फ इतना ही था, एक ही मशीन थी, अब दो मशीन हो। चलो पूरा आउटफ्लो ही निकालना, तो सबसे पहले लिखा जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट मशीन। कब खरीदोगे? आज, और आज वन का वन ही रहेगा, एक रुपए का एक रुपए। ए कितने की मिल रही है? 1,30,000। तो 1,30,000 का प्रेजेंट वैल्यू 1,30,000 ही रहेगा। और ये कितने की थी यार? 1,80,000। तो 1,00,000
रनिंग एक्सपेंसेस रनिंग एक्सपेंस कैसे करेंगे? तो एक से पांच साल का फैक्टर एक साथ तो ले सकते हैं ना हम लोग, तो वर्किंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुनो ना, यहां ए लिखता हूं और यहां बी, और यहां 1 to 5 लिख देता हूं, और यहां 1 to 8 लिख देते तो जुगाड़ हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। यहां पी वी ए एफ लिखेंगे, बस एनुटी फैक्टर ही लिखना है। अल्टरनेटिव आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भी कर सकते थे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो हम ऐसे ही करेंगे। मतलब सर सीधी सी बात, आप ये बोल रहे हो कि जो हमने ऐसे एक लाइन में किया था उसको हमने टेबल में बांध रहे, बस टेबल में कर 1 divided by 1.10, 1 2 3 4 5 3.791 5.335 ले लूं, 5.335। बोलो रनिंग कॉस्ट कितना है? इंपॉर्टेंट तो ये समझना, अगर मैं ये वाली मशीन खरीदता हूं तो हर साल कितने का खर्चा है, और इसमें क्या ज्यादा अच्छा है? एक्सपेंसेस की बात ऐसी देखकर बताओ कौन सा वाला हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, एक्सपेंसेस 20,000 अच्छा है कि एक्सपेंसेस 25,000? काफी कुछ जगह ना जब मैं ऑडिट कर रहा था ना, तो यार मैं देखा बहुत सारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है लोग उसमें बेकार के एक्सपेंसेस भी डाल देते हैं। क्यों डालते हो कि एक्सपेंसेस? पीएनएल अकाउंट में बोगस एक्सपेंसेस डाल के रखते हैं। प्रॉफिट कम क्यों करते हैं? टैक्स, मतलब क्या एक्सपेंसेस दिखाने से टैक्स बचता है? ये भी तो एक्सपेंसेस, तो टैक्स भी तो बचेगा, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो? इट मींस मैं ये कहना चाहता हूं कि खर्च ज्यादा है हो जाने तो, पर इससे फायदा भी है मेरी नजर से, क्योंकि टैक्स का रेट दिया। तो इट मींस अगर कोई बोले कि 25,000 का एक्सपेंसेस ठीक है, पर मैं कहूंगा 25,000 का एक्सपेंसेस तो है पर उस पर टैक्स भी तो बच रहा है, तो बताओ नेट कितना आ रहा है टैक्स काटने के बाद, टैक्स सेविंग्स को कंसिडर करने के बाद? सर 25,000 जा रहा है लेकिन टैक्स भी तो बच रहा है, कितना परसेंट? 30%। अच्छा डायरेक्ट निकाल लिया क्या? 17,000 पास। ये रनिंग एक्सपेंसेस है नेट ऑफ टैक्स। ये बात समझ में आ गई ना यार कि प्रॉफिट कम शो होगा तो टैक्स भी कम लगेगा, एक्सपेंसेस की वजह से फायदा है। तो नेट ऑफ टैक्स मेरा एक्सपेंसेस कितना है? 17,000 पास। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ आपको, ये 17,500 निकालने का ना मेरे पास शॉर्टकट है। 25,000 1 minus 0.3। सर वही तो कर रहे हो ना 70%, ये क्या टाइप, मैं बता रहा हूँ कैसे आया करके, ठीक। चलो तो अब एक चीज समझ में आ गई कि टैक्स बहुत डेंजर चीज है। तो यहाँ क्या जाएगा? 25,000 है, 1 minus 0.3 यही कर लिया। वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, यहां से समझ में आ रहा। दूसरे का कितना है एक्सपेंसेस, रनिंग एक्सपेंसेस जरा बताना दूसरे। 20, ठीक। तो यहां कितना आया था हमारा? 17,000। तो 17,500 लिखना, ठीक। कि मेरा जो एक्सपेंसेस है एक्चुअल में वो 17,500 है, और यहां कितना एक्सपेंसेस है? 2 लाख रुपए कमाता हूँ। कहां से आया 2 लाख? ये मत पूछना, बुक्स चाहो तो चेक कर लेना। 2 लाख रुपए कमाता था और 2 लाख पे टैक्स वाला मेरा मुझसे 30% ले जाता, 30% ही है ना टैक्स, 30% टैक्स ले जाता था। तो 2 लाख का 30% कितना होता है? 60,000। मैं बहुत दुखी था,
क्योंकि 60,000 रुपये मुझे टैक्स देना पड़ रहा था, फिर मैंने एसी खरीदा, बिजली बिल आने लगा और 25,000 आने लगा। तो अब जो, और सब कुछ फायदा, कोई फायदा नहीं, बस मुझे अच्छा लग रहा। तो जो 2,00,000 रुपए कमा रहा था, अब 2,00,000 रुपए तो ज्यों की त्यों है, लेकिन यार एक खर्चा और बढ़ गया, कितना 25। तो अब टोटल प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं मैं, 1,00,000, और अब इस पे 30% टैक्स देना पड़ेगा, तो कितना हो रहा, 1,75,000 का 30%, 52,500। मैं तो खुश हो गया, नो डाउट 25,000 बढ़ा, लेकिन खुश भी तो हो गया, कितना रुपया बचा लिया मैंने, टैक्स का तो पैसा बच गया ना, कितना बचा, 7,500। तो 25,000 जा रहा है, लेकिन मेरी नजरों से देखो 7,500 बच भी तो रहा है, तो नेट मेरे पास से कितना जा रहा है, ये पैसा बच रहा ना मानते हैं, तो नेट मेरे जेब से 25,000 जा रहा है, 7,500 नेट, 25,000 माइनस 7,500, 17,500, ठीक है सर। यहां क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये बी का है ना, ध्यान से करना बस। अब कर ले, कितना निकाला होगा आपने, 17,500, 3.79, ये आ गया 6,6,3,4,2। मुझे ना छेड़ दिया इस क्वेश्चन के लिए, छेड़ते नहीं तो मैं करवाता नहीं। वाह सर, मजा आया, अब आगे चलो, और किसी की हिम्मत है तो आगे चलो अपने आप। तो यहाँ तक हो गए, तो रनिंग एक्सपेंसेस तो हो गए, अब क्या बचा, आप कुछ तो बचे नहीं क्वेश्चन में, रनिंग एक्सपेंस और क्या बचा है, सर्विस। अच्छा ये प्लस होगा कि माइनस, अच्छा आउटफ्लो निकाल, प्लस प्लस, ठीक, पैसा जा रहा है वो निकाल रहा है, ठीक। अभी क्या आएगा, टोटल क्यों, सैलवेज यही से यार, इतना फिर और लंबा क्यों, यही माइनस कर देंगे ना सैलवेज, दिक्कत क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है यार, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है कि इस पे, अच्छा एक बात, एसी खरीदने से खर्चा बढ़ रहा है नो डाउट, पर और एक चीज तो बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपके जेब से थोड़ी नहीं जाएगा, पर पीएनएल अकाउंट में तो दिखाऊंगा, और उस पर टैक्स सेविंग्स भी तो होगा, हाँ तो वो भी तो देखना पड़ेगा। हाँ अब यहाँ इधर कहीं जुगाड़ लगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, मजा आ जाएगा मुझे कसम से। काश WDB होता तो और मजा। WDB नहीं है, प्लीज मुझे WDB के लिए मजबूर मत कीजिए, चलो मैथड हर साल का एक जैसा, ठीक है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं मशीन एक, तो 1,30,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय पाई। एक बच्चे ने ऐसे किया था, नहीं छोड़, कितना आ रहा आंसर, 1,00,000 डिवाइडेड बाय पाई। ये बच्चे कहां से आते थे, 30,000 अच्छा मशीन बी का भी बता दो, इक्कीस हजार 250। हाँ तो बोलो हर साल डेप्रिसिएशन कितना, 20,000। बता सकते हो टैक्स सेविंग्स कितना आएगा, तो समझ के बोलना, बहुत बारीक चीज है, फाइनल वाले भी फंसते हैं इसमें, तो फिर तो 20,000 मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, 20,000 एक्सपेंसेस बढ़ तो नहीं रहे हैं, ये तो पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में डेबिट करें, मुझे बताओ मैं कितना पैसा बचा लूंगा इस एक्सपेंसेस की वजह से, मशीन एक ही बात करना बस, एक साल का बता दो, 6,000 पक्का, कैसे निकाला, 20,000 वन माइनस 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड
सुनो सुनो सुनो, मुझे घुमाने की कोशिश मत करो, मैं प्यार से लिख देता हूँ, प्यार से। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये ज्यादा अच्छा है, आंसर कितना आ रहा है 14,000। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 20,000 इंटू 30%, आंसर कितना आ रहा है यस। मुझे ये वाला लिखना है कि ये वाला लिखना है? पक्का ना? क्या है, परेशान कर दिया है सीए वाले बच्चों ने कि सर कभी वन माइनस टैक्स किया पिछले वाले एग्जाम में रनिंग एक्सपेंसेस में, और इसमें बोल रहा है सिर्फ टैक्स करूं। करना क्या है, ये करना है कि ये करना है? नीचे वाले भाई वो आप समझदार हो, उसमें एक्चुअल में पैसा जा रहा था, इसमें एक्चुअल में पैसा नहीं जा रहा, बस पैसा बच रहा है। थैंक गॉड। तो अब लिखना है हम लोग टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। मशीन ए, मशीन बी निकाला था कि यार आपने अलग से दिखाया कि यहीं दिखा दे? हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल चुके हो ना सब लोग? अच्छा निकाल लो एक बार, डेप्रिसिएशन का ही निकाल, कैलकुलेटर में निकाला है। डेप्रिसिएशन का दिखाना चाहिए आपको, पर ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है तो मैं कह नहीं सकता अभी तक। नहीं उतना डिटेल में यहाँ दिखा सकते हो, मुझे बस डेप्रिसिएशन का अमाउंट बता दो चल जाएगा। कितना? 20,000 था डेप्रिसिएशन का अमाउंट, और उसका कितना परसेंट? तो एक साल में डेप्रिसिएशन पे कितना बचा रहे हो? 6,000। इसकी लाइफ कितनी है? 5 साल। तो यहाँ कितना जाएगा भाई? 1 साल में कितना डेप्रिसिएशन बचा सेविंग कर रहे हो? 6,000। तो टोटल 5 साल में कितना आएगा बोलो ना यार। मुझे भाई ये बता दो, यहाँ 6,000 आएगा कि 30,000 आएगा ना यार? हाँ। नहीं यार मैं ये कह रहा हूं कि वहां जब पेपर देती हो ना दिमाग पता नहीं क्या चलता है, भगवान ही जानता है, यहाँ 30,000 भी लिख देते हैं, ऐसा भी होता है। जैसे आप बता रहे थे ना 6,000 सर 1 साल का, तो साल 5 साल का कितना? ठीक है यहाँ तक 6,000, यहाँ कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है, अभी फिर दिक्कत आ गई। ये एक्सपेंसेस कितने साल का है? तो यहाँ 5 साल का मिलाकर नहीं लिख रहा, यहाँ एक ही साल का लिखेंगे पर 5 साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर, वही चीज हम यहाँ करने जा रहा हूँ। ठीक, ब्रैकेट लगाऊं कि नहीं लगाऊं? लगाना पड़ेगा, ये सेविंग हो रही है ना, मैं आप ही से पूछ के करूंगा, मैं ऐसा नहीं है ब्रैकेट लगा रहा हूं। ठीक 6,000 इंटू 22746। थैंक गॉड, बस भगवान ये क्वेश्चन खत्म हो जाए कैसे भी। अच्छा दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, मशीन बी का डेप्रिसिएशन कितना आया था हमारा? 21,250 का 30% माइनस इज इक्वल टू कितना आ गया? 6375 और फैक्टर आ गया 5.335। बस खत्म, एक चीज और बची है, सर्विस। अब तो कर सकते हो चल। लास्ट लास्ट और बचा हुआ है वो खत्म करते हैं। क्या नाम है उसका? सर्विस को प्यार से यहां मालूम है क्या बोलेंगे? टर्मिनल वैल्यू। और टर्मिनल वैल्यू तो कल से अभी तक मेहनत ही किया है, वो तो आपको निकालना आता है। अगर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा तो वो कट के मिलेगा ना मुझको,
वो तो हम यहाँ निकाले यार, प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा। टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालते थे? सेल्स कंसिडरेशन में से माइनस क्या कर देंगे, बुक वैल्यू जो भी टैक्स आएगा फिर सेल्स में से वो माइनस करके हटाएंगे, वो तो करना ही पड़ेगा। टर्मिनल वैल्यू, मशीन ए कौन से साल में आएगा? पांचवें साल। और मशीन बी में कौन से साल में आएगा? आठवें साल। फैक्टर तो निकाल लेता हूँ, फिर सोचते हैं 1 divided by 1.1235 1 6 7 ठीक। हाँ हाँ पूछो। अच्छा इनका ये कहना है सर टर्मिनल वैल्यू 30,000 ही आएगा आपका? नहीं हाँ वही तो वो 21,000 लिख देंगे उधर और फिर वो ऑटोमेटिक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मिले। हाँ लेकिन टर्मिनल वैल्यू कैसे निकल रहा है ये तो बताना पड़ेगा। कैसा लगा क्वेश्चन? ए ई आप लोगों को नहीं आया पर आ गया तो हमारे अलावा कोई कर भी नहीं पाएगा। सेल्स कंसीडर बोलो यहाँ सेल्स कंसीडरेशन 30,000 और यहाँ कितने की मशीन बिक रही है और इसमें से क्या माइनस कर देंगे? बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू तो आपको निकालना आता है, बचपन से निकाल रहे हैं 11th क्लास। सिंपल था यार, कुछ था ही नहीं उसमें, जो सर वही तो है। हाँ भाई वही तो आपने माइनस किया ना, आप गहराई से वो फॉर्मूला सोचोगे ना तो बात समझ में आएगी यार। हम पूरा डेप्रिशिएट कर कहाँ करते, 30,000 बचा लेते ना, माइनस स्क्रैप करते हो। माइनस स्क्रैप का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो बताओ कैपिटल गेन कितना आ गया? जीरो। तो टैक्स भी क्या आ गया, तो टर्मिनल वैल्यू भी क्या आ गया, तो वही तो मैं बोल रहा था। नहीं तो ये हाँ बोल देते तो मैं नहीं बनाता, मैं पूछा भी था कि आप ये बोल रहे हो कि यही आ रहा है, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। नहीं सर मैंने बोला ही नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो फिर बना लेते। ये तो जबरदस्ती बनाया है, जरूरत है। हाँ पर इससे सीखने को मिला गया। इसका मतलब कुछ एक स्टेटमेंट बन सकता है क्या? अच्छा छोड़ो अभी कोई एक स्टेटमेंट यार, अगर सेल्वेज है और SLM मेथड है तो जो सेल्वेज है वही टर्मिनल वैल्यू होगा, है ना यार? ठीक काम है। प्लस की माइनस है ना, माइनस होगा ना पक्का। ये हम इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि प्लस करना है कि माइनस करना है, ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा दूसरा कितना आया था यार हमारा? कितना आ गए? 18। क्या था? 990। टोटल
सिर्फ इसी का टोटल करना प्रेजेंट वैल्यू का, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं। वन फाइव फोर नाइन सिक्स सिक्स मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही कैलकुलेटर उठा लूं। टू कौन सी मशीन खरीदोगे? ओहो ये तो 8 साल है और ये 5 साल है, तो कम फिर नहीं हो सकता। अब हमें निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट, मतलब सर यही जुगाड़ लगा ले क्या, यही कर दे रहे डीवी पीवी एफ, तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 3.791 और 5.335। ये वाला 40991 अभी भी कौन सा अच्छा है? ये वाला आउटलो चल रहा है, लिखोगे? Due to lower equivalent annual PVC. नहीं तो आज मैं चल रही, ये क्वेश्चन तो मैं अगर जिसको समझ में नहीं आया ना वो ज्यादा टेंशन भी ना ले, इस लेवल का क्वेश्चन बहुत मुश्किल है CA इंटर में। लेंथी है नहीं तो ये जरूरी था ना यार, जरूरी। तो ये टैक्स वाली चीज है, तो ना मालूम है इसमें बच्चों ने मालूम है क्या डाउट पूछा था, उन्होंने पूछा था कि यार सर ठीक है बात समझ में आ गई, टैक्स सेविंग्स और डेप्रिसिएशन, तो इससे पहले जितना भी काम किया है वहां भी तो डेप्रिसिएशन का टैक्स है, वहां क्यों टैक्स सेविंग्स नहीं ली? मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी भी बहुत सारा हमने एनपीवी का क्वेश्चन किया, सीएफईटी निकाल रहे थे, एनपीवी निकाल रहे थे, डेप्रिसिएशन भी था, टैक्स भी था, तो वहां टैक्स सेविंग्स और डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिया, यहां क्यों ले रहे वाले? हाँ क्योंकि सीएफईटी निकालते समय ना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कंसिडर हो जाया करता। अब ये तो क्वेश्चन के साथ ही समझ में आएगा कि कैसे काम करते थे, पर सुनो ये डाउट एक्चुअल में सही था, मुझे एक बात बताना बस, सुन लेना, थोड़ी सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे सीएफबीटी 80,000, डेप्रिसिएशन है 20% है 20,000 ले लेते, थोड़ा सा जल्दी कर लेते, कॉन्सेप्ट है ध्यान से समझना, 80,000 है सीएफबीटी, डेप्रिसिएशन है 20,000 और टैक्स का रेट है 30% मान लो, और मैं बोलता हूँ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बताइए कितना आएगा, बिल्कुल सिंपल है, सीएफएटी बताइए कितना आएगा, तो मेरे ख्याल से सीएफएटी में आराम से बता दो कोई 60 आपने निकाल लिया होगा, जैसे मैंने फॉर्मेट बनाया था उसके हिसाब से निकाल लिया होगा। अब मेरी बात सुनो कि मेरे पास और एक तरीका है, अब वो समझना वो तरीका क्या, सीएफएटी कितना है 80,000, टैक्स का रेट कितना है 30%, तो 80,000 का 30% करो 24,000, 80,000 माइनस 24,000 करो 50, क्या इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया है
मतलब मैंने डेप्रिसिएशन पे जो टैक्स सेविंग है वो तो कंसीडर ही नहीं किया, और यहां जो आपने किया क्या किया है, यहां आपने कंसीडर किया है। अगर मैं अब बाद में कंसीडर कर देता हूं, 20,000 का 30% करो, 20,000 का 30% अगर इसमें मैं टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन 6,000 ऐड कर देता हूं तो क्या आंसर यही आ जाएगा? यस, वहां भी कर रहे थे, वहां पता ही नहीं लगा, और यहाँ एक्चुअल में पता लगा तो हालत खराब हो गई। तो बस इतनी सी बात है कि यहाँ जो किया, यहाँ हमने दिखाया अलग से, क्योंकि इसमें सीएफएटी की जरूरत नहीं पड़ी, इसी वजह से हमको अलग से शो करना। ठीक है, तो अब कल की क्लास का, क्योंकि मुझे एक लिमिट हो गई, अब आपका बहुत अच्छी तरह से तैयार होगा, विश्वास नहीं होगा जब कल बुक खोलोगे ना तो आप कहोगे सर आप बस खड़े रहो, क्वेश्चन हम बना रहे हैं, इतने आसान क्वेश्चन, इतने इजी। तो बुक कल तो पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं नहीं जानता, तो कल तो नहीं मिलेगी, कल कहा तो कल नहीं मिलेगी। तो मुझे बताओ कल क्लास रखनी है या फिर सीधा मंडे को? तो फिर कंडीशन है ये कि आप अपना स्टडी मैट लेकर आओगे, कल हम क्वेश्चन स्टडी मैट से करते हैं, ठीक है, और फिर परसों से मंडे से हमको बुक मिल जाएगी, तो कोई इश्यू नहीं, कल 11 बजे। कल 11 नहीं, वहां कल भूल जाएगी, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, कल भूल जाएगी कितने बजे क्लास जा रहा है। तो कल 11 बजे याद रखना कि वो लेकर आओगे आप, और इतना लेकर आना कि कम से कम एक मेरे हाथ में भी मुझे दे देना पढ़ने की, कोई भी चल जाए, नहीं पुरानी बुक में फिर अब जो बुक है फिर कंफ्यूज हो जाओगे, पेज नंबर वगैरह क्या लिखोगे, इससे थोड़ा सा वेट करो। ठीक है जी, थैंक यू।